कि क्यों ना मैं भी गोकुल जाकर के कृष्ण जी का बाल स्वरूप का दर्शन करूं। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से गोकुल पहुंचे हैं और गोकुल पहुंच करके नंद रानी के बाहर महल के बाहर खड़े हो गए और नंद रानी को आवाज लगाते हैं। कौन? देवादिदेव महादेव बाहर खड़े हैं और खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, जसोदा अरे वो जसोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे, हम बड़ी दूर से आए हैं। यशोदा मैया उस समय सही बोलो रही थी। भोलेनाथ बाहर खड़े हैं, फिर भोलेनाथ आवाज लगाते हैं, यशोदा अरे वो जसोदा। यशोदा सही बिलोती बिलोती सुनने लगी, मुझे कोई पुकार रहा है। यशोदा ने दही को छोड़ा और बाहर आकर के द्वार पर देखा तो भोलेनाथ खड़े हैं। कैसे स्वरूप में? अवघड़ दानी के स्वरूप में, मृगछाला पहने हैं, तन पर भभूति है, एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, काला नाग है, कान में बिच्छू लपटाए हुए भोलेनाथ है। एक पल के लिए तो नंद रानी भी डर गई, यशोदा मैया भी डर गई। कहो बाबा कहाते आए हो, ब्रज भाषा चलती है वृंदावन में आज भी ज्यादा। कहो बाबा कहां से आए हो? भोलेनाथ कहते हम तो बड़ी दूर से चल करके आए हैं, हमें अभी अभी पता चलो कि तेरे घर लाला भयो है, सो हमें तेरे लाल हमसे रहा नहीं गया, हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब तो यशोदा जी ने हाथ जोड़े, हे बाबा तो जहाँ से आए हैं वहाँ चले जा, मैं तुम्हें लाला के दर्शन ना कराऊंगा। क्योंकि एक पल के लिए जब यशोदा जी डर गई तो मन में सोचने लगी कि जब मेरा लाला देखे वो तो कितना जोर से डरेगा, इसलिए बाबा तुम्हें मैं दर्शन ना कराऊंगी। तुझे सोना चाहिए सो ले ले, चांदी चाहिए सो ले ले, पैसा चाहिए सो ले ले। भोलेनाथ कहते ये सब को तो छोड़ करके मैं बेटा हूँ, सोना चांदी हीरा मोती की कोई मेरे पास कमी थोड़ी ना है। अरे क्या जरूरत है भोलेनाथ को सोना चांदी की? अब यशोदा मैया क्या जाने कि सोना चांदी को छोड़ करके बाबा बैठे हैं। बार बार यशोदा को कहते हे यशोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा जी कहती नहीं नहीं बाबा हम तुम्हें लाला के दर्शन ना कराएंगे। यशोदा मैया हट करने लगी, इधर बाबा भी हट करने लगे, कोई बात नहीं हम तो अब तुम्हारे लाला के दर्शन करके ही घर लौटेंगे, बिना दर्शन के घर नहीं जाएंगे। यशोदा मैया द्वार लगा किवाड़ी लगा करके अंदर चली गई, क्योंकि भगवान के 9 लाख गाय थे और बहुत सारा दही भी लोना पड़ता था। जब दही भी लोने लगी बाबा बाहर बैठे हैं द्वार पर इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब प्रभु का दर्शन हो। कृष्ण जी पलना झूल रहे हैं अंदर, लाला पलने में झूलते झूलते भगवान ने सोचा कि मेरे देवादिदेव महादेव बाहर खड़े हैं, मेरे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं और मैं पलना झूल रहा हूँ, ये तो कोई बात बनी नहीं। सब भगवान ने क्या लीला की, कृष्ण जी आज खूब जोर जोर से रोने लगे। जब कृष्ण भगवान जोर जोर से रोने लगे, यशोदा जी आई दौड़ करके लाला को गले से लगाया, हे बेटा क्या हुआ, हे लाला तो है क्या हुआ, दूध का पान कराया, फिर भी लाला ने रोना बंद नहीं किया, खूब जोर जोर से रोने लगे। महाराज यशोदा मैया परेशान होने लगी, अरे लाला को क्या हो गया, दूध पिलाया फिर भी लाला ने रोना बंद नहीं किया। इधर से बाबा ने फिर आवाज लगाई, हे यशोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा को गुस्सा आ गया, एक तो मेरा लाला मुझे परेशान कर रहा है और दूसरा ये बाबा सुबह से परेशान कर रहा है। लाला को तो महाराज वैसे ही झूले में छोड़ा और सोचा कि पहले बाबा को भगा कर के आऊं। हे बाबा तुझे कितनी बार कहूं कि मैं तुझे लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ कहते कब तक दर्शन नहीं कराओगी, तुम्हारा लाला जब बड़ा होगा घुटने घुटने चलते बाहर आएगा तब मैं तुम्हारे लाला के दर्शन कर लूंगा, बाहर आएगा तब दर्शन करूंगा, लेकिन दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा ने कहा हे बाबा मेरे लाला को मैं घर में ही रखूंगी, बाहर नहीं आने दूंगी, तुझे दर्शन नहीं करने दूंगी। फिर भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा लाला और बड़ा होगा तो खेलने के लिए तो बाहर आएगा ना,
अन्य सखाओं के साथ जब मैं तुम्हारा लाला का दर्शन करूंगा, बिना दर्शन के घर ना लौटूंगा। यशोदा कहती सारे सखाओं को मैं घर में ही बुला लूंगी, लेकिन मेरे लाला को घर से बाहर नहीं आने दूंगी। बाबा कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन तू तेरे लाला का ब्याह तो करेगी ना, तेरे लाला को घोड़े पर तो बिठाएगी, तब मैं तेरे लाला का दर्शन करूंगा, तब घर लौटूंगा। यशोदा कहती बाबा मैं मेरे लाला को अखंड कुवारा रख लूंगी, बाहर भी नहीं आने दूंगी, तो लेकिन तुझे तो दर्शन ना कराऊंगी। अब तो बोले ना सुन गए, अब तो बहुत हो गया। अंदर से कृष्ण भगवान और जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने जाकर के लाला को उठाया, फिर चुप कराया, फिर भी भगवान ने रोना बंद नहीं किया। इधर से भगवान भोलेनाथ ने बोले हे यशोदा, तुम यदि कहो तो मैं तुम्हारे लाला का रोना बंद करा सकता हूँ। यशोदा जी ने सोचा कहे बाबा हाँ हाँ यशोदा, तुम्हारे लाला को ना नजर लग गई है। अब यशोदा ने नजर शब्द पहली बार सुना। ये बाबा जे नजर का हो, नजर कैसी उतारी जाती, कौन उतारता है? बोले नाथ मन में कहते कि सारी दुनिया की नजर उतारने वाले को तो तुमने बाहर खड़ा रखा है, अब तेरे लाला की नजर कैसे उतारूं? क्योंकि जब बच्चा रोता है ना तो माँ की भी आंख में आंसू आ जाता है, और जब बच्चा हंसता है ना तो माँ को भी हंसी आ जाती है। चाहे माँ कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन बच्चा जब हंसता है तो माँ भी हंसने लगती है, हंसती है कि नहीं? और बच्चा जब रोता है ना तो माँ भी बड़ी परेशान हो जाती है, अरे जल्दी चलो ना डॉक्टर के पास, ना जाने मेरे बेटे को क्या हो गया। क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, बोलता नहीं है, बता नहीं सकता कि उसे क्या हो रहा है, माँ भी रोती है। ये होता है एक बेटे और माँ का संबंध, कि बेटा रोता है तो अपने आप माँ को रोना आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं बेटे जो कि अपनी माँ के लिए रोते हैं, लेकिन हर माँ अपने बच्चे के लिए अवश्य रोती है। माँ आई, हे बाबा चलो ना तो फिर जल्दी मेरे लाला की नजर उतार दो। यशोदा ने सोचा क्या करूं, लाला की आंखों पर पट्टी बांध दी कि मेरा लाला बाबा को देखे नहीं। आज जब लाला की आंखों पर पट्टी बांध करके भोलेनाथ की गोद में लाला को सुलाया तो भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु लाला ने रोना बंद नहीं किया। यशोदा कहने लगी बाबा अब तो जल्दी से नजर उतार दो, कितनी देर हो गई। भोलेनाथ कहते हैं इनकी आंखों की जरा पट्टी निकालो तभी तो मैं नजर उतारूंगा। जैसे आज यशोदा जी ने लाला की आंखों की पट्टी को खोला और कृष्ण जी ने भोलेनाथ के नेत्रों की ओर देखा, भगवान जोर जोर से हंसने लगे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज महाराज खूब जोर जोर से भगवान भोलेनाथ भी मुस्कुराने लगे, और इधर लाला कृष्ण जी भी खूब महाराज जोर जोर से हंसने लगे, मैया की भी हंसी आने लगी। हे बाबा धन्य हो जो तूने मेरे लाला को आज हंसा दिया। जब भोलेनाथ दर्शन करके घर जाने लगे तो यशोदा ने पूछा बाबा ये तो बता दो कि अगर अगली बार मेरे लाला को नजर लगेगी तो मैं कैसे उतारूंगी, नजर कैसे उतारी जाती है। भोलेनाथ कहते एक तो कभी तुम्हारे लाला को नजर नहीं लगेगी, ऐसी नजर उतार दी, और यदि फिर भी तुम्हारे लाला को नजर लग जाए तब भोलेनाथ के मंदिर जाना, और भोलेनाथ के मंदिर जा करके शिवलिंग पर से भभूति को 5 बार घुमा करके लाना, और घुमा करके अपने बेटे के ऊपर से 11 बार 21 बार उतार देना, तुम्हारे लाला की नजर हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। या तो फिर एक नजर उतारने का तरीका और भी है, जो गाय की पूंछ होती ना वो गाय की पूंछ से 5 बार अपने लाला के सिर पर से घुमा दिया करो तो तुम्हारे लाला की नजर उतर जाएगी। हम लोग तो न जाने मिर्ची से न काय काय से नमक से और राई से नजर उतारते हैं, अरे भगवान के नाम में हो सकती है कि एक बार कोई सच्चे मन से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल के नजर उतार दे तो उनके लाला को क्या ताकत भला किसी की नजर लग जाए। लेकिन हम तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, यदि भगवान की इच्छा होगी तो सब कुछ हो जाएगा, और यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पर विश्वास करो,
और भगवान की कथा पर विश्वास करो तो सब कुछ सफल हो जाएगा। यदि भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई जीवन में काम नहीं आएगा। इसलिए संतों की संगति करो, महापुरुषों की संगति करो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लगना है या तो फिर भगवान से संबंध जोड़ लो। ओ श्याम प्यारे से, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तानी सेवा करते जय हो।